टेलर का वर्कशॉप करा है, प्लान किया है जो अभी हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लेजर के बारे में, लेजर डेंटल में कैसे यूज होता है, दांतों में ट्रीटमेंट में आप कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लेजर अभी बहुत नया टेक्नोलॉजी है, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उससे क्या होता है, जब हम कोई भी सर्जरी करते हैं मस्कुलर की, गम्स की, तो पेशेंट को पेन नहीं होता है, तो मरीज को पेन नहीं होगा तो वो बहुत कंफर्टेबल रहता है सर्जरी कराने के बाद, उसको बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं खाना पड़ता है, तो उसको आराम मिलता है बाद में भी, और डिसकम्फर्ट नहीं होता है, सो डाइट में कोई चेंज नहीं आता है, तो एक हैप्पी और कम्फर्ट पेशेंट। सो डेंटल से जो हमें डर लगता है ना ट्रीटमेंट कराने से, वो डर एक पेशेंट का खत्म होता है, और इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा खत्म हो जाता है, तो हमें बार बार रिकरेंस जो होता है इन्फेक्शन का, वो उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पेनलेस मतलब उसको बोल सकते हैं, और ब्लड भी नहीं आता जब हम सर्जरी करते हैं, तो पेनलेस ब्लडलेस ट्रीटमेंट जो क्लिनिक लगता है उसने भी क्या लेजर बहुत उपयोगी है, यानी दांत में जो क्लिप लगाया जाता है क्या उसके लिए भी लेजर का ही इस्तेमाल होता है? ग्रोथ हो गई, एक्स्ट्रा मसूड़ा बढ़ जाता है, जैसे उसको कट कराना होता है, अक्ल दाड़ के ऊपर मसूड़ा आ जाता है, उसको कट करने में हेल्प करता है, तो वहाँ पे ब्लड भी नहीं आता है पेशेंट को और पेन भी नहीं। ज्यादा खर्चा नहीं है, इकोनॉमिकल ही होता है, बट पेशेंट को कम्फर्ट होता है, जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे को लगता है, ये भी लेटेस्ट है टेक्नोलॉजी। और कितने दिन में वो रिकवर कर पाती है जिनके साथ ये होता है? 2 to 3 days में उसका हीलिंग, इमीडिएट पेन रिलीफ रहता है, और 2 to 3 days में उसका हीलिंग मतलब पूरा तरीके से हो जाता है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। माध्यम से यहाँ आप कार्यक्रम आज कर, तो ये क्लिनिक अभी डॉक्टर अभिषेक कुमार सर का है, और मगर ओरोनेटल क्लिनिक के टीम से पटना में एक क्लिनिक है, और इसको सपोर्ट ऑरिजन हेल्थ केयर ने भी किया है, तो वहाँ पे अगर वो प्रोडक्ट उन्हीं का ही है जो हम आज यूज करने वाले हैं, सो वो यूनिट प्रोडक्ट पेशेंट सत्य का वो प्रोडक्ट भी है, तो उससे सर्जरी वगैरह करा सकते हैं। नहीं, मशीन हमेशा करेगी, मैं तो विजिटिंग पे आएगी। अपना परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक है, मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ, और बीबी मैंने बीडीएस गाजीबाद से किया है, एमडीएस अभी मैं करनी हूँ मेरठ से, लेजर प्रैक्टिस करती हूँ, स्पेशलिस्ट डायरेक्टर के, तो उसमें मैंने थोड़ी सी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स किया है, उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन किया है लेजर में, उसके अलावा मैं यहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिस गुड़गांव में करती हूँ। दो तीन वेराइटी है लेजर का, अलग अलग तीन वेराइटी, तो आज हम लोग इस यूनिट को पेशेंट के ऊपर यूज करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसका फायदा है, ये चीज हम लोग भी करेंगे या किया। कौन सा जगह है सर, उसके बारे में बताएं कि कौन सा? ये रामकृष्ण नगर मगध ओरिएंटल क्लिनिक है, रामकृष्ण नगर पटना में। कितने पेशेंट पर आज आपने ये ट्रीटमेंट कर लिया? हम लोग 4-5 पेशेंट पे आज ट्रीटमेंट किए, अलग अलग टाइप के उनके नाम में यूज किया। बीच पर जो ब्रेसेज लगाते हैं दांत के बीच में गैप होता है, ऊपर में प्रीलम का टेक्सचर हाई होता है, तो उसमें हम लोग प्रीलम को काटते हैं ब्लू ब्लेड से काटने का, अगर उसको लेजर से कट करेंगे तो उसमें सेम चीज होगा, तो पेशेंट को कम्फर्टेबल फील होगा। कितना जरूरी होगा आज के डेंटिस्टों के लिए लेजर? मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज कल सारे पेशेंट को पहले ट्रीटमेंट चाहिए, तो अफकोर्स जिसका पहले ट्रीटमेंट होगा। क्या कहेंगे लेजर कोर्स के बारे में, आपने लेजर कोर्स कंप्लीट किया है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर लेजर कोर्स किए, लतिशा मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की सारा कुछ। तो कैसा लगता है कि लेजर कोर्स कितना बेटर होगा अभी जो भी डेंटिस्ट हैं उनके लिए? अभी तो बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि सारे पेशेंट को पेनलेस ट्रीटमेंट चाहिए और ब्लडलेस ट्रीटमेंट चाहिए, और इसके ये बेनिफिट है।